मंगलौर कस्बे के रहने वाले एक युवक को शादीशुदा महिला से प्यार करने की कीमत जान गंवा कर चुकानी पड़ी। युवक की प्रेमिका ने अपने पति और देवर के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। उत्तराखंड के रुड़की में मंगलौर के रहने वाले शादाब की जान उसकी प्रेमिका, पति और देवर ने ले ली। मामले का खुलासा करते हुए SSP परमेंद्र सिंह भोबाल ने बताया कि मृतक के परिजनों की तरफ से 25 अगस्त को उसके लापता होने की तहरीर मंगलौर कोतवाली में की गई थी, जिसके बाद हरिद्वार SSP के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। मामले में पता चला कि शादाब के संबंध रुड़की के कोतवाली में रहने वाली एक शादीशुदा महिला के साथ थे और उसी महिला ने अपने पति और देवर के साथ मिलकर शादाब का गला दबाकर हत्या कर उसका शव गंग नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने मृतक की चप्पल और फोन बरामद कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 25 अगस्त को उसका बेटा शादाब घर पर बिना बताए कहीं चला गया है। उसके बाद उसकी कोई पहचान नहीं हो पा रही है, उसको कहीं प्राप्त नहीं खोजा जा सका है। पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें गुमशुदगी दर्ज की गई थी और लगातार उसकी खोजबीन जारी की गई थी। इस संबंध में जब हमारे सर्वेलांस का हम लोगों के द्वारा उपयोग किया गया तो इस संबंध में पता लगा कि उक्त जो गुमशुदा व्यक्ति है शादाब, उसका एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसका नाम मुर्जीना है और उसी से मिलने वो उसके पास गया था। उसके बाद जब पुलिस के द्वारा इनकी जब पूछताछ की गई सख्ती से तो ये बात संज्ञान में आई कि मुर्जीना द्वारा इसको अपने पास बुलाया गया और उसके बाद उसके पति और उसके देवर द्वारा तीनों ने मिलकर इसको गला घोट के इसकी पहले हत्या करी, उसके बाद इसे बोरे में बंद करके नहर में डाल दिया है। पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें अभी पंजीकृत किया गया है 103 IBS में और इसमें आवश्यक कार्रवाई इसमें की जा रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।